इस मिश्रा जी हमारे जिलाध्यक्ष जी यहाँ उपस्थित हो गए, एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। जिला के प्रभारी श्री राजीव बब्बर जी और पहले मैं जो उपस्थित हो चुके थे उन सभी लोगों का नाम ले चुका हूँ, किशन गोदारा जी, प्रद्युम्न राजपूत जी हुए, जो मुकेश जी, भारत माता की। आज झुग्गी सम्मान यात्रा में इस द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी वार्ड में हमारे राष्ट्रीय मंत्री भाई मालवीय जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी और प्रदेश के महामंत्री भाई दिनेश प्रताप जी, हमारे जिले के प्रभारी और प्रदेश में उपाध्यक्ष भाई राजीव बब्बर जी, यहाँ से पूर्व विधायक भाई प्रद्युम्न राजपूत जी, पूर्व जिलाध्यक्ष और निगम पार्षद भाई किशन गहलोत जी, जिले में हम महामंत्री भाई मुकेश मिश्रा जी, यहाँ से स्थानीय मंडल अध्यक्ष सुमन जी, सभी सम्मान्य कार्यकर्ता बंधु और इस झुग्गी सम्मान यात्रा में आए, क्योंकि झुग्गी में रहने वाले वासियों निवासियों का और जिनका इस दिल्ली के योगदान में बहुत बड़ा, दिल्ली के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे भाइयों से संवाद करने के लिए, झुग्गी वासियों से बातचीत करने के लिए आदेश गुप्ता जी आपके बीच में आए हैं। तो ज्यादा समय न लेता हुआ मैं यहाँ के बाबूलाल प्रधान जी को आमंत्रित करता हूँ, वो मंच पर आए। भाई जयराम जी छत्रपाल और चेतराम जी, धर्मपाल जी, दुर्गेश जी और गिरधारी चौधरी जी आए और प्रदेश अध्यक्ष जी अंग वस्त्र भेंट करके अपने इन बंधुओं का अपने हाथ से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और हमारी जो बहनें हैं जो झुग्गियों में रहने वाली हमारी बहनें, ममता जी, राजकुमारी जी, देवकी जी, सुधा जी, राम भाई जी और कमलेश जी, ये भी आए और यशस्वी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी अंग वस्त्र भाई बिट्टू शर्मा से अनुरोध करूंगा कि वो अंग वस्त्र जो अपेक्षित नहीं है कार्यकर्ता, हमारे मंगलापुरी की झुग्गी वासियों का हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय मंत्री अमित मालवीय जी, हमारी सभी का प्रदेश अध्यक्ष जी अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और एक बार जोरदार तालियों से अपने बंधुओं का अभिनंदन और स्वागत। थोड़ा साइड हो जाए, व्यवस्था बना के रखें। आज झुग्गी वालों का हम सम्मान करने के लिए आए हैं तो हमारे जो बंधु हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी अपने हाथ से इनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। एक बार आप भी जोरदार भारतीय जनता पार्टी वो जो हमारे बंधु थे वो नाम एक बार बताना बस। अच्छा भाई, अब हमारे भाई बाबूलाल प्रधान जी मंच पर आए। भाई जयराम छत्रपाल जी बहन जी, अब आपका स्वागत हो गया, आप नीचे आए। छत्रपाल जी, चेतराम जी आप मंच पे ही रहेंगे, आप टीकाराम जी, धर्मराज जी, दुर्गेश जी और गिरधारी चौधरी जी, आप यही मंच पे ही रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी अपना उद्बोधन देंगे, आप सब यही रहेंगे, आप सब बंधु।
आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रदेश अध्यक्ष जी ने, अब मैं मंच देता हूँ प्रदेश के महामंत्री भाई दिनेश प्रताप जी को। मैं निवेदन करता हूँ जिलाध्यक्ष विजय सोलंकी जी से कि आदरणीय अध्यक्ष जी का और अमित मालवीय जी का स्वागत करें। जिला प्रभारी श्रीमान राजीव बब्बर जी का स्वागत करेंगे और अपने साउथ दिल्ली एमसीडी के मेयर मुकेश सुरियान जी का स्वागत करेंगे। मैं हमारे जिलाध्यक्ष विजय जी से निवेदन करूंगा कि वो दिनेश प्रताप जी जो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं और इस सम्मान यात्रा के संयोजक हैं उनका भी स्वागत करें। मैं भाई आदेश गुप्ता, भाई आदेश गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भाई प्रधुमन जी अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं। भाई प्रधुमन जी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई आदेश गुप्ता जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आवाज नहीं आ रही पीछे से, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। यहाँ विशाखा सैलानी जी हमारी बहुत ही वरिष्ठ नेता है, आपका भी मंच पर स्वागत है और स्थानीय मंडल अध्यक्ष सुमन आजाद जी अध्यक्ष जी का स्वागत कर रही हैं। अब स्वागत के कार्यक्रम को, अरे आपका स्वागत हो गया, मुकेश जी, अरे ठीक है, लेकिन किशन गोदारा जी अपना यहाँ से चुनाव लड़े थे, किशन जी भी अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं। और अब स्वागत की प्रक्रिया को हम यहीं पे विराम देते हैं और आगे कार्यक्रम 3-4 घंटा चलना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए समय जाया नहीं करते हुए मैं चंद ही क्षणों में माननीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करूंगा कि अपना उद्बोधन रखें। उसके पहले आप सभी जो मैं पूछता हूं वो बात बताएं कि यहाँ सभी लोगों को वैक्सीन लग गई है, जिनको वैक्सीन लग गई है हाथ खड़ा करें, सबको वैक्सीन लग गई है। ये वैक्सीन आपको किसने लगवाया है? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। मोदी जी ने आपको वैक्सीन लगवाया, इसलिए एक बार जोरदार ताली मोदी जी के नाम पर बजाइए। भाई नरेंद्र मोदी, भाई नरेंद्र मोदी, भाई नरेंद्र जिंदाबाद, भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अभी इस विषय पर आदरणीय अध्यक्ष जी अपनी बात रखेंगे। मेरे पास अध्यक्ष जी यहाँ पर दो इस झुकी झोपड़ी के बिल आए हुए हैं, बिजली के, और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि बिजली हम आधी रेट पर देते हैं और पानी फ्री देते हैं। तो एक बिल 17,000 कुछ का है और एक बिल 2100 कुछ रुपए का बिल यहाँ पर आया हुआ है। ये आप लोगों को समझना है, ये मैंने बिल नहीं दिया है, यही दो कार्यकर्ताओं ने मुझे ये बिल दिया कि बिजली की स्थिति ये है। तो हमें केजरीवाल जी को समझना होगा और जो जो लोग यहाँ पे हैं,
हमारा भाई कोई बिहार से होगा, राजस्थान से होगा, पंजाब से होगा, उत्तराखंड से होगा, तो आप अपने रिश्तेदारों से भी उत्तराखंड, पंजाब और यूपी में फोन कर करके बताएं कि बिजली फ्री देने वाला, 200 यूनिट तक फ्री देने वाला और पानी फ्री देने वाले की स्थिति ये है। तुम लोग भैया सावधान रहना, दिल्ली को केजरीवाल ने ठग दिया है और यूपी, पंजाब और उत्तराखंड को ठगने की तैयारी कर रहा है। तो इस बात को हम सभी लोग अपने गांव के रिश्तेदारों को बताएंगे ना, जोर से बोलिए बताएंगे, बिल्कुल बताना है। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं अध्यक्ष जी को, इसके पहले एक बार आप लोग जोरदार नारा लगाएं, भारत माता के, भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री आदेश गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के यशस्वी जुझारू संघर्षशील अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी को कि हम सभी के लिए अपना उद्बोधन रखे। आदरणीय आदेश जी, बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। आवाज में दम नहीं लग रहा है, बहुत देर हो गई है। जितने आप बड़े लोग खड़े हैं ना, उससे कम ही संख्या बच्चों की है ना। बच्चे कितने हैं, भात खाओ जरा। बच्चों आपकी आवाज तेज है ना, तो आप बताएंगे ठीक। भारत माता की, कॉम्पिटिशन कराते हैं ठीक है। पहले बड़े लोग नारे लगाएंगे, फिर बच्चे लगाएंगे। जिसकी आवाज तेज होगी उसके लिए सब लोग तालियां बजाएंगे ठीक है। तो बड़े लोगों की बारी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब बच्चों की बारी है, तैयार है ना बच्चे, पीछे तैयार, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। किसकी तेज आवाज, बच्चों की, सब लोग तालियां बजाइए बच्चों के लिए। ये महावीर इनक्लेव के जो हमारा क्लस्टर है, झुग्गी बस्ती है, आज इस द्वारका विधानसभा और मटियाला विधानसभा के दोनों इस झुग्गी सम्मान यात्रा के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए दिल्ली के अंदर हमारे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की ओर से हमारा हौसला बढ़ाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और हमारे आईटी सोशल मीडिया के ऑल इंडिया इंचार्ज श्री अमित मालवीय जी हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे, जोरदार तालियां। पीछे भी बाबा रामदेव जी बजाते हैं ना जोरदार तालियां। ये तालियां बजाने से सिर्फ स्वागत ही नहीं होता है बल्कि आपको अपना हेल्थ भी आपकी सही रहती है, जोश बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो जब कोई हमारे घर अतिथि आता है तो उसका स्वागत हमें जोरदार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं। कहते हैं कोई अगर बहुत ही उदासी से कोई स्वागत करे उसको स्वागत माना जाएगा, तो आपने तालियां जोरदार बजाई क्या? एक बार जोरदार तालियां फिर अमित मालवीय। और हमारे इस रैली, इस यात्रा के संयोजक दिनेश प्रताप सिंह जी, हमारे उपाध्यक्ष और इस जिले के प्रभारी भाई राजीव बब्बर जी, इस जिला के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष भाई विजय सोलंकी जी, हमारे यहाँ के द्वारका विधानसभा के हमारे पार्षद मेयर मुकेश सुल्यान जी, रेखा चौहान जी, पूनम जिंदल जी और किशन गोदारा जी, ये चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ से, और हमारे किशन गहलोत जी, नीतिका शर्मा जी जो एजुकेशन कमेटी के चेयरपर्सन है, और
यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़े प्रद्युमन राजपूत जी, पार्टी के हमारे महामंत्री मुकेश मिश्रा जी और जितने हमारे पदाधिकारी हैं, यहाँ पर जितने हमारे पार्टी के महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और पार्टी के कार्यकर्ता और इस महावीर इनकेस झुग्गी बस्ती के सभी भाई बहन, माताओं, बुजुर्गों, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। और यहाँ की हमारी जुझारू मंडल अध्यक्ष बहन सुमन आजाद सिंह जी, जो यहाँ बहुत ही जुझारू मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी टीम, मैं आज झुग्गी सम्मान यात्रा जो इस यहाँ आई है उसके बारे में आपको दो चार बातें बताना चाहता हूँ। ये झुग्गी सम्मान यात्रा का उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो सरकार बनने के बाद लगातार गरीबों की, आम व्यक्ति, सामान्य से सामान्य, जो बिल्कुल समाज में पीछा है, पीछे पिछड़ा है, उसकी चिंता करते हुए उन्होंने जब संसद की डेयरी पर पहली बार माथा टेका तो कहा, हमारी सरकार देश के गरीबों को, महिलाओं को, पिछड़ों को समर्पित सरकार है। और ये काम उन्होंने पिछले 7 वर्षों में लगातार किया है। फिर चाहे वो उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, या उज्ज्वला योजना हो, या स्वनिधि हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, या फिर 2 लाख रुपए का प्रधानमंत्री जीवन बीमा हो, या आयुष्मान योजना, आरोग्य योजना हो, आवास योजना हो, उजाला योजना हो, इन बहुत सारी योजनाओं से उन्होंने देश की उस वर्ग को फायदा पहुंचाया, उस वर्ग के लिए काम किया है जिसके लिए पिछली सरकारें वायदे तो करती थी लेकिन काम नहीं करती थी। और काम इसलिए नहीं होता था क्योंकि भ्रष्टाचार था, करप्शन था। जो सरकारें योजनाएं बनाती थी वो नीचे तक नहीं पहुंचती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना, जिसमें एक हमारी माता को, बहन को, एक परिवार को एक गैस का कनेक्शन, एक गैस का चूल्हा, एक गैस का सिलेंडर और 2 लाख का बीमा बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है मोदी सरकार के द्वारा, ये उज्ज्वला योजना को आप तक पहुंचाने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच पहुंची है। मुझे पता है, आप सबको भी पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीबी को नजदीक से देखा है और उन्होंने गरीब का दर्द बिल्कुल वो उनको पता है। इसीलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने दिल्ली और देश के अंदर और खासतौर से दिल्ली जैसे शहरों में जो लोग हमारे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, राजस्थान से और दूसरे राज्यों से, उत्तराखंड, हिमाचल से आके यहाँ अपना रोजगार तलाशते हैं, रेड़ी पटरी लगाकर वो अपना जीवन यापन प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो शुरुआत में अगर 2000-4000 भी जरूरत होता है तो हमें पता है ये जो सब्जी मंडियां लगती हैं वहाँ पर कितने मोटे ब्याज पर साहूकार लोग पैसा देते हैं। 5000 रुपए सुबह देते हैं, बोले 7000 हमें सामने शाम को चाहिए। आप बताइए ऐसा होता है नहीं होता है? और मोदी जी ने उस गरीब के दर्द को समझा है और उन्होंने स्वनिधि योजना, जिसमें दिल्ली के अंदर किसी के पास भी कोई भी रेड़ी पटरी वाला 10000 रुपए का लोन लेगा तो 1 साल तक उसको ब्याज चुकाना नहीं पड़ेगा, बिना गारंटी के मोदी जी 10000 रुपए दे रहे हैं। स्वनिधि योजना के अंदर ये योजना है, श्रम कार्ड की योजना है, ये सारी योजनाएं आप तक पहुंचाने के लिए झुग्गी सम्मान यात्रा है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, इस झुग्गी सम्मान यात्रा आज हम लगभग 16 विधानसभाएं कर चुके हैं और हर विधानसभा में जाते हैं, हर झुग्गी क्षेत्र में जाते हैं। अभी दिनेश जी आपको बिल दिखा रहे थे, वो बिल कितने मोटे मोटे बिल झुग्गी के आ रहे हैं। ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये कोई केजरीवाल जी जो उत्तराखंड जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, हमने बिजली सस्ती कर दी है, ये झुग्गी का ही बिल है। नाम बताइए ना, ये है यहाँ पर, ये छतराम जी है यहाँ पर, छतराम जी जिसका बिल है, चेतराम जी है, ये जो चेतराम जी है,
वो आ रहे हैं चेतराम जी, एक मिनट आने दो उनको। ये चेतराम जी की जो झुग्गी है उसका बिल है, ये केजरीवाल को आईना दिखाने का कितने का है? मतलब कितने का बिल है ये? चेतराम जी आइए, वो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये बाबा जी चेतराम जी कितना बिल है आपका? 17,000। ये बिल आपकी झुग्गी के लिए आए? हाँ, ये भाई और बहनों आप लोगों को पता है केजरीवाल ने कहा था बिजली हाफ पानी माफ, यही कहा था ना, यही कहा था। ये उनकी पोल खोलने के लिए, असलियत बताने के लिए और आपके न्याय और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों के अंदर जो बिजली के बड़े दाम झुग्गी में वसूले जा रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झुग्गी वासियों के भाई बनकर आपके भाई के रूप में आदेश गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके बीच आए हैं ये बताने के लिए, ये आपके संघर्ष के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा है। ठीक है, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। चाहे पानी की समस्या हो, अभी केजरीवाल साहब ने अपने घर में बनवा रहे हैं वो स्विमिंग पूल, और उस स्विमिंग पूल पर खर्च कर रहे हैं 10 करोड़ रुपया। कितना खर्च कर रहे हैं? 10 करोड़। 10 करोड़ की गिनती पता कितनी होती बहन जी? 10 करोड़ की गिनती पता कितनी होती है? अगर हम 1 लाख एक गिनती करेंगे तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, ऐसे 100 तक करेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? तो 1000 तक गिनती गिनने पड़ेगी तो 10 करोड़ होते हैं। और पता नहीं 10 करोड़ का तो एस्टीमेट है 20 करोड़ भी खर्च हो सकते हैं। तो ये केजरीवाल जी वो स्विमिंग पूल बनवा रहे अपने बंगले पे, और उस स्विमिंग पूल पे क्या साफ पानी भरेगी? बिल्कुल साफ पानी होगा, जिसमें तस्वीर भी दिखेगी, अपना चेहरा भी दिखेगा और नीचे भी जमीन भी दिखेगी। आप बताइए आपको साफ पानी मिल रहा है क्या? मिल रहा है आपको भाई साहब? साफ पानी मिल रहा है? ये महावीर इंक्लेव की झुग्गी बस्ती में साफ पानी आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है तो आवाज तो तेज होनी चाहिए। नहीं आ रहा? आ रहा है? समझ में नहीं आया तेज बोलिए, आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है। ये आपको साफ पानी की, बिजली के बड़े दामों की, राशन कार्ड बनवाने के लिए, ये सब संघर्ष के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सब लोग आपके साथ आए हैं। और मैं अंत में एक बात कहकर समाप्त करूंगा कि आपको पता है कि दिल्ली देश की राजधानी है। मेरे एक दोस्त मिले, बोले कि आप तो दिल्ली में रहते हो, दिल्ली देश की राजधानी है। मैंने कहा दिल्ली देश की राजधानी जरूर है, दिल्ली देश का दिल भी है और दिल्ली दिलवालों की भी है। लेकिन मैंने कहा दिल्ली तो दिलवालों की है, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली दिलवालों की भी है, लेकिन दिल्ली का दिल अगर कहीं है तो महावीर इंक्लेव जैसी झुग्गी बस्तियों में, जो हमारे लाखों लोग रहते हैं, जो अपनी ईमानदारी मेहनत से दिल्ली को विकास के रास्ते पर ले जाते हैं। जब दिल्ली में सुबह फैक्ट्री चलती है तो आपके मेहनत के दम पे चलती है, दिल्ली जब दौड़ती है तो आपकी मेहनत के दम पर दौड़ती है, तो आपकी मेहनत को, आपकी ईमानदारी को, आपके परिश्रम को सलाम करने के लिए, नमस्कार करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, सम्मान करने के लिए, स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच आई है। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी आपके सुख के लिए, आपके दुख सुख का साथी बनकर
एक भाई की तरह भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आदेश गुप्ता हो या दिनेश प्रताप सिंह हो या अमित मालवीय जी हो या राजीव बब्बर हो या विजय सोलंकी हो या फिर रेखा चौहान हो, एक एक कार्यकर्ता इन झुग्गी वासियों के साथ मिलकर उनके समस्या के लिए संघर्ष करेगा और उनके साथ मोदी जी की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच आई है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं कि ये झुग्गी सम्मान यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है उससे आम आदमी पार्टी सरकार बौखला गई है और कल ही केजरीवाल सरकार ने कहा है हम सभी झुग्गी बस्तियों में आरओ वाटर सिस्टम लगाएंगे। मैंने कहा बहुत स्वागत है आपका, आरओ वाटर सिस्टम होना चाहिए, साफ पानी मिलना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ घोषणा मत करिए, उसको अमल में भी लाना चाहिए। दिल्ली सरकार को जो भी घोषणाएं करिए उनको अमल में भी लाइए, यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और आईटी के विशेष जानकार उसके प्रमुख श्रीमान अमित मालवीय जी को कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। श्रीमान अमित मालवीय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रदेश के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, जिला और मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं प्रदेश के सम्मानित मंच, अभी आदेश गुप्ता जी ने बहुत ही सरल शब्दों में सम्मान यात्रा का उद्देश्य बताया। मित्रों, सिर्फ इतना ही कहना है कि आप सब लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, सुख सुविधाओं से लैस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मोदी जी का सिपाही बनकर आपके बीच खड़ा हुआ है। इस यात्रा के दौरान आप सभी लोगों से जो दिल्ली की अनेकों झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके दर्द को सुनने और समझने का जो अवसर मिला है और केजरीवाल सरकार की जो नाकामियां रही हैं, जो उन्होंने वायदे तो किए लेकिन पूरे नहीं किए, इसकी जो तमाम जानकारियां मिली हैं उसको लेकर पार्टी ने तय किया है कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार यहां पर अपने किए हुए वायदों को पूरा नहीं करती है तो उसको उखाड़ कर हम लोग फेंक देंगे। वो सरकार जो लोगों को किए हुए वायदे पूरे ना कर सके, उनको पीने का साफ पानी तक ना पहुंचा सके, उसे सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। हर रोज यहां पर लंबी लंबी लाइनों के द्वारा आप लोगों माताओं बहनों को खास तौर से पानी के लिए जो जूझना पड़ता है, साफ हवा के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, अगर इसी तरीके से दिल्ली के हालात रहे तो यहां जल्द ही आप लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और जो सारे वादे आप लोगों को किए गए हैं और खास तौर से
केंद्र की जो सरकार है वो दिल्ली के लिए जो जो चीजें करना चाहती है उनको नीचे तक उतारने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस झुग्गी सम्मान यात्रा से आप लोग सब जुड़े और हर झुग्गी में और हर झुग्गी के हर घर में ये संदेश जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ तटस्थ तरीके से खड़ी हुई है, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, यहां पर साफ पानी के लिए, सस्ती बिजली के लिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वादे नहीं करेगी, उनको अमल करके करेगी। जिस तरीके से मोदी जी की अगुवाई में देश के कई प्रदेशों में हमारी सरकार चल रही है, उसी प्रकार से दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने ये आपके समर्थन से ही संभव है। आप सब लोग बड़ी संख्या में इस झुग्गी सम्मान यात्रा से जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ यहाँ के जिलाध्यक्ष जी को कि आगे की कार्रवाई प्रारंभ कराए और माननीय अमित जी से झंडा दिखवा करके यात्रा का शुभारंभ कराए। आदरणीय विजय सोलंकी। धन्यवाद दिनेश जी। आज इस झुग्गी सम्मान यात्रा में आए हुए सभी हमारे बंधु जो झुग्गी से निकल करके प्रदेश अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आए हैं और अमित मालवीय जी ने अपने हाथों से बच्चों को सलेट और जो सांप सीढ़ी है केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली के विकास को जिसने पटरी से उतारने का काम किया है वो तो सारी चीजें यहां पर अभी अपने हाथों से दी हैं। अब मंच पर काफी देर से हमारे पंडित जी मंत्रोच्चारण के लिए इस झुग्गी सम्मान यात्रा का प्रारंभ करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पंडित जी मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत रूप से आज इस द्वारका और मटियाला विधानसभा की झुग्गी सम्मान यात्रा का प्रारंभ करेंगे। उसके बाद अमित मालवीय जी झंडी दिखा करके यहां से इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। मैं पंडित जीओं को आमंत्रित करता हूं मंत्रोच्चारण के साथ। अमित जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी सम्मानित हमारे मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारी एक बार सर्वाधिक बाधा सुशांतिर्भवतु।
सर के। पूनम दीदी या चला रही भी है? हाँ हाँ चला के दिखाएंगे। वहाँ जाएंगे दीदी, पूरे सागरपुर वार्ड में चला रही थी रिक्शा क्या? आप जाओगे वहाँ? वहाँ जाओगे बता क्या करेंगे वहाँ पे? पहले अपने
तुम ये उठा यार, इन्हों का लाइफ छूट जाता है, वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा।